राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्थिति है वह दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण और साथ ही साथ प्रकृति के हर एक क्षण को लेकर के जो तमाम जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब कोई चर्चा कर रहा है कि किस तरह से इस पूरे प्रदूषण को रोका जाए। लेकिन खास बात यही है कि ये प्रदूषण रुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ संवाद के जरिए रुकेगा और आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से ये प्रकृति का जो संवाद है, संवाद के जरिए ही ये प्रदूषण खत्म होगा या फिर जो क्षरण हो रहा है अलग अलग, चाहे उत्तराखंड और हिमालयन रीजन में हम देखें तो पहाड़ धंस रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है और प्रकृति के संवाद के जरिए ही ये सब कुछ खत्म होगा। बातचीत करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों को मैं जोड़ रहा हूँ जो पानी पर, वायु पर लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात करूँगा कि राजधानी दिल्ली का जो AQI है वह लगातार पिछले 2 सालों से देखा गया है कि जब नवंबर का आखिरी होता है तो वह हमेशा पीक पर होता है और आज भी जब बारिश हो गई तब भी वह जो है वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? अपना नाम भी बताइए। देखिए, मेरा नाम अनुपम है, मैं संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से हूँ और आज इस प्रकृति संवाद के लिए अपने सभी साथियों की इस मुहिम से जुड़कर यहाँ आया हुआ हूँ। देखिए, आपने दिल्ली के AQI की बात की, आज भी हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं और जो ऊपर जो स्थिति है वो जब कहा जा रहा है कि स्थिति ठीक हो गई है तो भी चिंताजनक और भयावह लग रही है। वजह क्या दिखती है आप? वजह एक बड़ी वजह तो यह है कि ये AQI की चिंता हमको नवंबर से ही सिर्फ शुरू होना शुरू होता है हर साल। हर साल हमें यमुना के प्रदूषण की चिंता जब छठ के लिए अर्घ देने की बात आए और जब हमको वो झाग दिखता है, वो तस्वीर वायरल होने लग जाती है, तभी जाके चिंता होती है। कोई तकनीकी वजह आप बता सकते हैं? साल भर जो चिंता करनी चाहिए थी वो चिंता नहीं होती है। चिंता तब होती है जब बिल्कुल गर्दन पे तलवार लटक रही हो, उस दिन हम सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया, हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि तकनीकी सुझावों की कमी है, समझ की कमी है या विशेषज्ञों की कमी है हमारे देश में। हमारे देश में कमी है तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसके तलाश में सरकारें और जो राजनीतिक सत्ता है वो घूम रही है। यानी कुछ ना कुछ राजनीतिक तौर पर कमी है जिस वजह से ये प्रदूषण दिखाई देता है। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि ये जो आज प्रकृति संवाद है उसमें आप किस भूमिका में? मेरा नाम संजय है और मैं बुंदेलखंड से आता हूं और पानी और पर्यावरण पे पिछले 28 साल से काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये देश में एक अपने तरह का अनूठा प्रयास है और जब देश में एक समान विचारधारा के लोग जो प्रकृति और पर्यावरण के बीच में विकास के संतुलन को लेकर चिंतित हैं, आज वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन सबकी चिंता है कि कैसे हम नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट की कल्पना कर सकें, प्रकृति केंद्रित, जहाँ पर हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास की बात कर सके। जो विकास में हम बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं, हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर, सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? जब तक आप प्रकृति के प्रति सही ढंग से लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, नीतियां उस तरह से नहीं बनेंगी कि हम बिना किसी प्राकृतिक नुकसान के विकास की परिभाषा और विकास के प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा सकें। उसी संदर्भ में, और मैंने अपने इलाके में, बुंदेलखंड से आता हूं, वो जल संकट ग्रस्त और सूखाग्रस्त इलाका है, उस इलाके में कुछ प्रकृति केंद्रित विकास के मॉडल स्थापित किए हैं और जिनमें प्रकृति को संरक्षित करके और विकास को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर क्या है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो जरा अंकित आप दिखाइए कि किस तरह से जो सिविक मुख्यालय है उसमें भी आप प्रदूषण की चादर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो है प्रदूषण दिखाई देगा। अगर AQI की बात करें तो ये जो है 400 से कम भले ही हो गया हो, सीवियर भले ही है, लेकिन बहुत ख़राब और ख़राब कैटेगरी में झूल रहा है। झा जी, आप ये बताइए कि आखिरकार ये जो प्रकृति संवाद है इससे आपको लगता है कि कुछ असर होगा, खासकर दिल्ली की आबोहवा बदलेगी? देखिए, हम तो संवाद शुरू किए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि जो प्रकृति का अपना इकोसिस्टम है वो बायोडाइवर्सिटी पे निर्भर करता है। जब बायोडाइवर्सिटी बेहतर होता है तो पोल्यूशन वगैरह स्वतः नहीं होगा। भारत में 70 साल में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है। भारत में 15,000 नदियां में से 4,500 नदियों का आता पता नहीं है। बचे हुए नदियों में अविरलता निर्मलता का अभाव हो गया है। 30 लाख कुएं, तालाब, झरने थे जिसमें से 20 लाख पट गए हैं।
हम 2.4% लैंड मार्क्स के मालिक हैं और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया में पहले देश हो गए हैं। तो अगर हम जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जो जन का संबंध है, ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को जब तक हम नहीं समझेंगे, बनाच्छादन 32% भारत के लिए कंपलसरी है, 10% के करीब आ गया है, तो कहाँ से आपका ये जब भी ऐसा पीक सीजन आता है, यमुना के प्रदूषण की भी लगातार चर्चा होती है। आप क्या कहेंगे कि ये जो प्रकृति संवाद है, यह आने वाले वक्त में कितना इफेक्टिव होगा, कितना कारगर होगा? जैसे अभी आप हमसे पहले किसी साथी की बाइट आप ले रहे थे, तो कह रहे थे कि छठ के समय यमुना के प्रदूषण को लेकर हम लोग चिंता करते हैं। दरअसल ये यमुना के, आप पल्ला के पास पहुंच जाइए, एकदम बाधित कर दी गई है यमुना। अब उस यमुना में अविरलता और निर्मलता क्या है, कैसे आएगी? पहले तो यमुना अविरल होगी, उसके बाद निर्मल होंगी। आप नजफगढ़ नाला और सहादरा ड्रेन वहाँ वजीराबाद के पास गिरता है, यह मेन स्रोत है यमुना जी को गंदा करने के लिए। STP वहाँ लगा है, उसे मल मूत्र आते हैं STP से, जबकि अमूमन यह होना चाहिए कि जब शोधित पानी हो गया तो उस पानी को हम पी सकते हैं। प्रकृति संवाद में कुछ चर्चा हुई इस बात को लेकर, कैसे हम दूर करें? चर्चा हो रही है, तमाम विषय विशेषज्ञ इस विषय को लेकर रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग सरकार से भी बात करेंगे। हालांकि अभी 4 जून को हम सब लोगों ने मिल के वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक 24 किलोमीटर ह्यूमन चेन बनाया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक यमुना नदी को बचाने के लिए 1 लाख से अधिक लोग यमुना के किनारे खड़े थे। अब उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है, तो उसमें हमारा दोष तो है नहीं। लेकिन सरकारों को ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए आप देख सकते हैं कि बाकायदा प्रकृति संवाद किया जा रहा है और अलग अलग विद्वान जो कि ज़मीन पर, पानी पर, वायु के लिए लगातार काम कर रहे हैं, दिल्ली के प्रदूषण पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ इकट्ठा होकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अंकित जैन के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।